सहमति का उल्लंघन कर बाहरी मजदूरों से काम लेने से आक्रोशित नान के मजदूरों ने जिला कलेक्टर से गुहार लगाई है। नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा नया टेंडर होने के बाद ठेकेदार द्वारा बाहरी मजदूरों से काम लेने के प्रयासों से भड़के कई वर्षों से काम करने मजदूरों ने पुराने मजदूरों को ही काम पर लेने की मांग को लेकर नान के गेट के बाहर एक हफ्ते से धरने पर बैठे हैं और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते शासन प्रशासन और मजदूरों के बीच चर्चा हुई थी, जिसमें इस बात पर सहमति बनी थी कि पूर्व की भांति ही पुराने मजदूरों को ही काम पर रखा जाएगा और नए मजदूरों को काम पर नहीं रखा जाएगा। सहमति बन जाने के बाद नान के मजदूरों ने धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया और लोडिंग अनलोडिंग का काम भी शुरू कर दिया। वहीं मिली जानकारी के अनुसार थोड़ी देर बाद ही नान के डीएम रही ने ठेकेदार से सांठगांठ करके कुछ नए मजदूरों को परिसर में घुसा दिया और उनसे काम लेने का प्रयास करने लगे। इससे नान के पुराने मजदूर भड़क गए और पुनः काम बंद करके धरने पर बैठ गए, जिसके बाद सोमवार को जिला कलेक्टर द्वारा मजदूरों सहित संबंधित पक्षों के चर्चा के लिए आमंत्रित किया। इसी कड़ी में बड़ी संख्या में मजदूर कलेक्ट्रेट पहुंचे, अपनी बात रखी। इस संबंध में न्यूज टीम के समक्ष शामिल लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। पीडीएस का खाद्यान्न, इसका लोडिंग अनलोडिंग परिवहन के लिए नया टेंडर हुआ है, नया ठेकेदार है। जैसे ही नया टेंडर हुआ, नए ठेकेदार ने पुराने मजदूरों को काम से निकालने का फरमान जारी कर दिया और अपने मजदूरों से काम कराने का उन्होंने प्रयास किया। इसके कारण से 7 दिन से वहाँ गतिरोध है। वहाँ के पुराने मजदूर नहीं चाहते कि कोई बाहर का नया मजदूर आकर के वहाँ काम करे, जो पुराने काम कर रहे थे वही लोग काम करें। टकराव इसी बात का है कि ठेकेदार इस बात का रहा है कि उनके मजदूर वहाँ काम करने जाएंगे। इनका कहना यह है कि पहले से 120 मजदूर जो वहाँ काम कर रहे हैं उन्हीं के लिए काम पूरा नहीं मिलता है। उनके मजदूर आने से वहाँ तनाव की स्थिति रहेगी, टकराव होगा, इसका असर काम में होगा। इसलिए इनकी एक की मांग है, बाहर का कोई भी मजदूर नान के वेयर हाउस में काम करने के लिए न घुसाया जाए। ये मजदूर पूरा काम खुद करने के लिए तैयार। आज किस लिए आना हुआ? आज कल मजदूर लोगों ने वहाँ सीएम हाउस में गुहार लगाई थी, तो ये सीएम हाउस के पहल पर आज कलेक्टर ने यहाँ पे ठेकेदार, नान के अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी और मजदूरों की एक मीटिंग कलेक्टर ने बुलाई थी। उसी मीटिंग में चर्चा करने के लिए आज मजदूर प्रतिनिधि यहाँ आए। किस तरह का निष्कर्ष निकला कुछ? अभी निष्कर्ष नहीं हुआ है, काफ़ी बातें हुई है। मजदूर पक्ष की तरफ से कह दिया गया है कि बाहर के एक भी मजदूर को वहाँ हम काम नहीं करने देंगे। जो भी काम वहाँ का है, जैसा कई सालों से चल रहा है, उसी ढंग से चलता रहेगा और यही 120 मजदूर वहाँ काम करते रहेंगे। इन्होंने दो टूक मीटिंग में कह दी। अपने मांगों को लेकर के बैठे थे कि हमको ठेकेदार के द्वारा नागरिक आपूर्ति नियुक्त ठेकेदार नायडू, गोविंद सिंह नायडू के द्वारा हमें मार पीट कर भगा देने की बात कह रहे हैं। इसलिए हमने 7 दिन से हमने धरने पर बैठे थे और शनिवार को एसडीएम ने यह फैसला किया गया था कि आपके 120 हमाल काम करेंगे, 56 उनके पीडीएस के काम करेंगे, बाकी 64 जो है अन्य काम में लगेंगे। इसमें हम मान्यता समझौता बना करके हमने काम भी चालू कर दिया गया था हमारे द्वारा। आज यहाँ किस लिए आए? हाँ, आज कले तो उस दिन मैं उसी दिन के पहले बताऊँ, हाँ उसी दिन काम चालू होने के जस्ट बाद नान डीएम ने अपने अधिकारी को बोला कि उनके लेबर भी, ठेकेदार के लेबर को भी काम करने के लिए घुसाइए गोदाम। तो इसे हमने आक्रोशित हो गए, तो उस दिन समझौता फिर नहीं हो पाया। तो आप क्या चाहते हैं? तो हम आज कलेक्टर महोदय जी के पास यही इसी समझौते को लेकर के फिर आए हुए थे कि कलेक्टर महोदय ने बोले कि आज भी 120 लेबर को रख रहे हैं और ठेकेदार के भी आदमी रह काम करेंगे बोले। तो हमारा ये कहना है, हम 30-35 सालों से कर रहे हैं यहाँ, हैं हमारे 120 लेबर, उसको सही ढंग से उसको खाना नहीं मिल रहा है, दो वक्त की रोटी सही ढंग से दे उसका पेट नहीं भर रहा है। तो हम ऐसे स्थिति में हम दूसरे लेबर क्यों लाएं? हमारा ये कहना है कि अगर ठेकेदार के पास लेबर आ गए, ठेकेदार जहां पहले रखते थे वहां अपना काम रखें,
मेरे स्थानीय लेबर 120 है, वो कहाँ जाएंगे? बहरहाल अपनी मांग को लेकर नागरिक आपूर्ति निगम के मजदूरों द्वारा लगातार सप्ताह भर से आंदोलन कर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसे आपसी सहमति बनाने दुर्ग कलेक्टर ने अपने पास बुलाकर चर्चा भी की। अब देखने वाली बात यह है कि इस चर्चा के बाद इन मजदूरों को किस तरह से न्याय मिल पाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।